गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टूडेंट आज से हम आपका हिंदी का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। इन वीडियो के माध्यम से सिलेबस आपको पढ़ने से क्या होगा कि आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि जब भी हम किसी चीज पर वीडियो देखते हैं तो जो हम देखते हैं और उसके साथ साथ उसको सुनते हैं तो वो हमें लंबे समय तक ध्यान में रहता है, याद रहता है। इसीलिए आपको इससे फायदा होगा, आप इन वीडियो को बार बार देखिएगा, ठीक है। तो बच्चों आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो ध्यान से आप इन वीडियो को देखते रहिएगा। हमारा फर्स्ट चैप्टर है देश बड़ा हो जाएगा। बच्चों सबसे पहले हमें किसी भी चैप्टर को जब पढ़ना होता है तो हमें उसका टाइटल यानी शीर्षक देखना होता है, क्योंकि शीर्षक ही पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है, उसमें ही उसका अर्थ छुपा होता है। यहाँ लिखा है देश बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ बच्चों जो बड़ा शब्द है इसका जो मीनिंग है ये एरिया वाइज बड़ा होना नहीं है, इस बड़े का मतलब है महान हो जाएगा। तो देश कैसे महान होगा, जब हम देश के प्रति जागरूक रहेंगे, अच्छे काम करेंगे, तभी हमारा देश का नाम रोशन होगा और एक महान देश की श्रेणी में वो आ जाएगा। बच्चों इस चूंकि ये चैप्टर एक कविता के माध्यम से आपको बताया गया है, अब चूंकि कविता है तो इसको हमें कविता की विधा में ही पढ़ना चाहिए। इस चैप्टर में कविता के माध्यम से कवि ने बड़ी बड़ी सफलताओं के पीछे जो छोटी छोटी कोशिश होती है, जो छोटे छोटे प्रयास होते हैं, उनके बारे में बताया है कि किस तरीके से एक छोटा सा बीज बहुत बड़े विशाल वृक्ष को नया रूप दे देता है, किस तरीके से बहुत ज्यादा अंधकार जब जहाँ होता है वहाँ छोटा सा दीपक जलाते हैं और दीपक पूरे अंधकार को दूर कर देता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है कि आपको भी छोटे छोटे प्रयास करते रहना होगा। आप आशावादी बनिए, आप अपने प्रयासों को जारी रखिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, यही इस पाठ का उद्देश्य है। बच्चे इसके बाद आता है कठिन शब्द। तो हर चैप्टर में आप देखेंगे कि आपको अलग से कुछ कठिन शब्द दिए होते हैं, वो कठिन शब्द इसलिए दिए होते हैं ताकि पहले आप उनको अच्छे से उच्चारित कर लें और उसके बाद फिर आप किसी भी पाठ को पढ़ना शुरू करें, चाहे वो कविता हो या पाठ हो। तो हमको पहले अपने कठिन शब्दों को पढ़ना है 3 से 4 बार, फिर हमको पाठ को रीडिंग करना है। तो पहले कठिन शब्द पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम रीड करेंगे। तो जब मैं आपको पुस्तक से पढ़ाऊंगी तो ये कठिन शब्दों को आपको हम अपने साथ उच्चारित करवाएंगे। अब जो दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो हम अपनी पुस्तक से शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका शीर्षक है देश बड़ा हो जाए। बच्चों ये जो चैप्टर है वो एक कविता के रूप में है, तो हमें इस कविता को लय के साथ पढ़ना है। इसके पहले इसको पढ़ने के पहले इसमें दिए हुए कुछ कठिन शब्दों को हमें अच्छे से उच्चारित करना है। तो ध्यान दीजिएगा किस तरीके से मैं इनको उच्चारित करती हूँ। पहला है नन्हा, अंधकार, अपनापन, लक्ष्य। इस तरीके से कठिन शब्दों को पढ़ने के बाद अब मैं इस कविता को पढ़ूंगी, आप ध्यान दीजिएगा। नन्ना बीज एक बो दो तुम, वही पेड़ बन जाएगा, छोटा सा तुम दीप जला दो, अंधकार मिट जाएगा। मीठे बोल अगर बोलो तो अपनापन बढ़ जाएगा, बिना रुके चलते जाओ तो तुम्हें लक्ष्य मिल जाएगा। अगर ईंट पर ईंट धरो तो महल खड़ा हो जाएगा, अच्छे अच्छे काम करो तो देश बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये जो कविता है ये मैंने आपको रीड करके बताई है, ये बहुत ही शिक्षाप्रद कविता है कि कैसे छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा हम अपने बड़े बड़े कामों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इसको अब आपको समझाती हूँ, ध्यान से समझिएगा, इसमें आपके लिए कुछ शिक्षाप्रद बातें बताई गई हैं। बच्चों आपने अपने आसपास बहुत सारे छोटे बड़े पेड़ों को देखा होगा, कुछ छायादार होते हैं, कुछ फलदार होते हैं। तो ये जो पेड़ होते हैं, ये जो बीज होता है एक छोटा सा, उसी की उत्पत्ति होती है, मतलब एक छोटे से बीज से ही ये बड़े पेड़ का आकार ले लेते हैं। तो एक छोटा सा बीज किस तरीके से एक बड़ा पेड़ बन जाता है, यही यहाँ पर बताया गया है। और जैसा कि इसमें दूसरी दो लाइन देखेंगे, छोटा सा तुम दीप जला दो अंधकार मिट जाएगा। बच्चों यदि हमारे आसपास बहुत अंधकार फैला हुआ है तो अगर हम एक छोटा सा दीपक जला देंगे तो छोटे से दीपक के प्रकाश से हमारे आसपास का जितना भी अंधकार है सब खत्म हो जाएगा। फिर देखिए नीचे दिया है, मीठे बोल अगर बोलो तो अपनापन बढ़ जाएगा। बच्चों हमें सबसे प्यार से बोलना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमें एक तो क्या अपनापन बढ़ता है, मतलब भाईचारा बढ़ता है, साथ ही साथ हमें आदर भी मिलता है। चाहे हमसे छोटा हो या बड़ा हो, हमें सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, मधुर भाषा में, मधुर वाणी में बोलना चाहिए।
इसके नीचे जो दो लाइन दी है ना बच्चों, बिना रुके चलते जाओ तो तुम्हें लक्ष्य मिल जाएगा। यहाँ पर एक शिक्षा है कि अगर हमें अपने मंजिल तक पहुँचना है तो उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। बिना रुके चलते का मतलब क्या है? लगातार चलते रहना नहीं है। यहाँ इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं को पार करते हुए, सारी मुसीबतों को पार करते हुए निरंतर चलते जाओगे तो आपको सफलता हासिल होती जाएगी। अगली दो लाइनें देखिएगा, अगर ईंट पर ईंट धरो तो महल खड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी महल को या किसी मकान को बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ईंटों को आपस में जोड़ते हैं ताकि हमारा ये जो घर है वो मजबूत बन जाए। कहने का मतलब यह कि जुड़ाव से ही आपकी एकता बलवती होती है। फिर देखिए, अच्छे अच्छे काम करो तो देश बड़ा हो जाएगा। अगर हमें अपने देश को महान बनाना है तो उसके लिए हमें अच्छे अच्छे काम करने होंगे, देश हित के काम करने होंगे, तभी हमारा देश एक महान देश कहलाएगा। बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस पाठ से हमने ये सीखा कि हमें अपनी सफलता को प्राप्त करना है, उन तक पहुँचना है तो हमें छोटे छोटे प्रयास करने होंगे और हमारे मार्ग में जो भी मुसीबत या जो बाधाएं आती हैं उनका हमें सामना करना होगा, तभी हम अपनी जो सोचा हुआ है हमने उस तक हम पहुँच सकते हैं। और बच्चों, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है, किसी प्रकार की आपको परेशानी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बार बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।